हेलो फ्रेंड्स, धन्य और इश्का की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि धन्य अपने प्यार का इजहार इश्का के सामने कर देती है और इश्का उसका कोई जवाब नहीं देती। धन्य उससे बार बार कहती है, यार बताओगी तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, मैं जानती हूँ तुम भी वैसा ही फील करती हो जैसा मैं फील करती हूँ तुम्हारे लिए, फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें रोक रही है, यार प्लीज़ बता दो मुझे, प्लीज़ ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तो तुमने सुना है ना कि मोहब्बत का इजहार करने में अगर देर हो जाती है ना तो हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता है, इशिका प्लीज़ बोल दो यार। तो इशिका उसको कुछ भी जवाब नहीं दे रही होती। तान्या को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जो है गुस्से में वहाँ पड़ा हुआ लैंप उठा के तोड़ देती है। कहती, पूछ रही हूँ तुमसे कुछ शिका, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हाँ ना कुछ तो बोलो। तो शिका उसे जोर से पकड़ती है उसके हाथों को और कहती है, क्या कर रही हो, क्यों पागलपन कर रही हो यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये सही नहीं है, हमारे इस रिलेशनशिप को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा यार, और अगर मैं ऐसा कुछ फील नहीं करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तान्या उसकी तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ के अपने सर पे रखती है, कहती है, मेरी कसम खाओ खाओ तुम मेरी कसम कि तुम वो फील नहीं करती हो जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, बोलो। तो इशिका तुरंत हाथ हटाती है, कहती है, तुम पागल हो गई हो, समझ में आया, तुम्हारा दिमाग ना काम नहीं कर रहा, वैसे भी तुम्हें किसी की सुननी तो होती नहीं है, सुननी तो तुम्हें सिर्फ अपनी होती है, अपनी अपनी करनी होती है, तो करो तुम्हें जो करना है, तुम मेरे पास क्यों आई हो फिर, तुमने जो मान लिया उसे मान के बैठी रहो, है ना। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती है, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गई हो, अपने फीलिंग्स को मानने से एक्सेप्ट कर रही हो, पीछे हट रही हो, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हो यार, तुम कैसी लड़की हो, तुम किस बात का डर है तुम्हें कि ये सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, अरे यार एक बार इजहार तो करो, प्यार का आगाज तो होने दो, स्टार्ट तो होने दो हमारे प्यार को, तुम पहले ही आगे का सोच के बैठ गई हो। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, जितना जल्दी हो सके ना इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। तो शिका बोलती है, कोई मजाक है क्या, हलवा है क्या, बनाया और खा लिया। यार तान्या देखो, मैं ना इस बारे में भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, हम फ्रेंड है और फ्रेंड की तरह ही रहेंगे, समझ में आया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो प्लीज। ताने कहती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ, पहले तुम मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। शिका बोलती है, क्या है यार, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो, हद कर रही हो बिल्कुल ही, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, अब जाओ यहाँ से। तो तान्या उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और उसे ज़बरदस्ती अपने तरफ देखने को बोलती है, कहती है, इधर देखो। इशिका बोलती है, नहीं देख रही हूँ मैं, नहीं देखना मुझे तुम्हारी तरफ। तान्या उसको कहती है, तुम्हें मेरी कसम है, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। तो इशिका मजबूरन उसकी आंखों में देखती है। तान्या बोलती है, अब बोलो तुम सच में वो फील नहीं करती हो जो मैं फील करती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मेरे पास होकर कुछ भी फील नहीं होता, तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता कि तुम मुझसे एक मिनट के लिए दूर मत हो, कोई मेरी तरफ देखता है तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, मैं किसी के ज़्यादा क्लोज जाती हूँ तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगता, सच बोलो, बोलो ना कुछ तो बोलो यार, प्लीज़ मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ हाँ ना कुछ भी बोल दो प्लीज़। इश्का बोलती, अगर ये सब होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है तान्या, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं, प्लीज़ समझो बात को, तुम इस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर दो यार, जिस कहानी का कोई अंजाम ना हो ना उसको स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। तान्या बोलती, तुम ना पागल हो गई हो, तुम पता है क्या कर रही हो, एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है एग्ज़ाम है, ठीक है हमें पता है कि एग्ज़ाम है, लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम देना ही नहीं है क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया है
कि हम फेल हो जाएंगे। अरे जब तक बैठोगी नहीं, क्वेश्चन पेपर देखोगी नहीं, लिखना स्टार्ट नहीं करोगी, पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगी, तब तक तुम कैसे डिसाइड कर सकती हो कि हम फेल होंगे या पास? कैसे डिसाइड कर सकती हो तुम, मुझे बताओ ना। और तुम रह लोगी मुझसे दूर? एक मिनट भी मैं तुमसे अलग होती हूँ तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है, देखा है मैंने। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं इग्नोर करती थी उन चीज़ों को, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि ये क्या फीलिंग्स हैं। लेकिन मैंने तुम्हें देखा है अपने लिए तड़पते हुए। मुझे ज़रा सा कुछ होता है तो तुम्हारी जान तुम्हारे हलक में आ जाती है, और तुम मुझे डिनाई कर रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। प्यार तो तुम मुझसे करती हो, बहुत करती हो। और ये जो तुम अभी समाज और सोसाइटी का राग अलाप के बैठी हो ना, इसको जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल दो, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। नहीं तो तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी खोपड़ी कितनी सनकी हुई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये बोल के तान्या रूम से जाने लगती है। इश्का उसका हाथ पकड़ती है, कहती है क्या कुछ भी कर सकती हूँ, क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, तुम क्या धमकी देती रहती हो बात बात पर मुझे? अगर तुमने अपने साथ इस बार कुछ भी करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, खुद ही अपने हाथ से तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें खुद कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ में आ गया? तो तान्या हंसती है, कहती है अपने महबूब के हाथों मर जाऊं, इससे अच्छी मौत तो मुझे हो ही नहीं सकती, जिंदगी इससे खूबसूरत तोहफा मुझे दे ही नहीं सकती। इसका कहती ओफ यार, ये फिल्मी बातें, मतलब तुम पा रहे, तुम्हें रियलाइज़ क्या हुआ कि तुम्हें प्यार हो गया, तुम्हारी हो गई फिल्मी बातें स्टार्ट? हैं, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी फिल्मी बातें, जाओ तुम यहाँ से। तो तान्या हंसती है, कहती है अच्छा बोल दो ना कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, हाँ बोल दो यार प्लीज़। तो इश्का बोलती अच्छा अगर मैं बोल दूँगी कि मुझे तुमसे प्यार है तो इतना इनफ है तुम्हारे लिए? तो कहती हाँ। कहती लेकिन मेरी एक शर्त है। तान्या बोलती क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम मुझसे दूर रहोगी, मेरे बिल्कुल करीब नहीं आओगी, उससे बिल्कुल बात नहीं करोगी, बिल्कुल नॉर्मल रहोगी जैसे और लड़कियों के साथ रहती हो। तान्या जब ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, कहते क्या है ये, प्यार में कोई शर्त नहीं होती है और तुम इतनी सारी शर्तें लगा के बैठी हो मेरे सामने, और क्यों नहीं आऊँगी मैं तुम्हारे पास? आऊँगी मैं तुम्हारे पास, हक है मेरा तुम पे। इश्का बोलती मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया है, तो कौन से हक की बात कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें ऐसा कोई भी हक नहीं दिया। तो तान्या के आँख में आंसू आ जाते हैं, तो कहती है ठीक है यार, मोहब्बत में ना जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? तो जब तुम्हारा मन हो ना तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं वहीं खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बोल के वो डोर ओपन करती है और वहाँ से चली जाती है। इशिका रूम में बैठ के बहुत रोती है, कहती है तान्या यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, ये बिल्कुल इजी नहीं है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं कोई स्टेप नहीं ले सकती हूँ, आगे अगर हमें अलग होना पड़ा तो मैं मर जाऊँगी, इससे अच्छा यही है कि मैं अभी से अपने आप को संभाल लूँ, ये सोसाइटी हमें कभी एक नहीं होने देगी, कभी नहीं, और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सबके सामने तुम्हारे लिए स्टैंड ले सकूं, और मेरी मॉम को तो तुम जानती हो यार, और मेरी बात छोड़ो यार, तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स, सबको पता चल जाएगा अगर, तो क्या होगा यार, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी नहीं। तुम क्यों नहीं समझ रही इन बातों को? ये बोल के वो बहुत रोती रहती है। तभी इश्का रूम में आ जाती है और उसे हक कर लेती है, कहती पागल तुम इन बातों को लेके परेशान हो? हाँ तान्या उसे देखती है, कहती तुम गई नहीं अभी यहाँ से, तुम मेरी बातें सुन रही थी छुप के? यार ये अच्छे मैनर्स नहीं होते, हम किसी की बातों को ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो तान्या उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है किसी की बात नहीं, तुम्हारी बात सुन रही थी मैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, और जब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना
इस दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती है। समझ आया? इशिका उसकी आंखों में देखती है, कहती है तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार। कहती है मैं समझ गई हूँ, और एक बात बताओ, हम कौन सा अभी जाके सबको बताने वाले हैं कि हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ ये तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात है ना, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात। ये प्यार सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, किसी के बीच किसी को नहीं पता चलेगा जब तक कि तुम इसके लिए रेडी नहीं हो जाती हो। एक बार मुझ पर ट्रस्ट तो करो यार, एक बार प्लीज। इसका बोलती है नहीं यार, ये इतना इजी नहीं है, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो। और अभी तो हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तान्या बोलते क्या नहीं जानते हम एक दूसरे के बारे में, बताना ज़रा। अच्छा बताना मेरा फेवरेट कलर क्या है, जल्दी से बोलो क्या है मेरा फेवरेट कलर। तो इश्का बोलते ब्लू। कहते अच्छा और फेवरेट प्लेस क्या है मेरे, हाँ दिल्ली के अंदर सबसे फेवरेट प्लेस लोटस टेम्पल। ओके ठीक है। और मैं अपने मम्मी पापा में से सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती हूँ, जल्दी बोलो, दोनों को इक्वली। ओके और मेरा फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, जल्दी 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 फटाफट 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 बोलो। इश्का बोलते हैं उदयपुर। अच्छा और मैं फॉरेन कंट्री में कहाँ घूमने जाना चाहती हूँ, जल्दी बताओ। स्विट्जरलैंड। और मेरा बिगेस्ट ड्रीम क्या है, हाँ जल्दी बोलो, डॉक्टर बनना। और अभी फ़िलहाल मैं क्या चाहती हूँ, 12th क्लास में टॉप करना। तो तान्या हंसती है, इश्का कहती क्यों हंस रही हो। कहती है देखो हमारी कभी बात नहीं हुई ढंग से, हम हमेशा लड़े हैं, हमने एक दूसरे के लाइक डिसलाइक्स कभी नहीं पूछे, फिर भी तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है। समझ आया? और तुम कहती हो हम एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं, कैसे जानेंगे यार। और हाँ तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, और क्या जानना चाहती हो। तो इशिका अपनी निगाहें नीचे कर लेती है, तो तान्या उसका फेस पकड़ के ऊपर करती है, कहती है आंखों में आंखें डाल के बात करो इशिका, मैं तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, और तुमसे बढ़ के ना मेरे लिए अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं, और तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। हालांकि मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानती हूँ, मैं सच बोलूँगी, क्योंकि मुझे मेरी फीलिंग्स बहुत लेट पता चली है, लेकिन तुम शायद मुझे बहुत पहले से पसंद करने लगे थे, और वो तुम्हारा लड़ना झगड़ना वो सब दिखावा होता था, ये भी मुझे पता है। तो इशिका उसे ऐसे शॉक्ड होके देखती रहती है कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है। तो कहती हाँ ऐसे मत देखो मुझे, मुझे सब पता है, मैं जितनी बेवकूफ़ तुम्हें दिखती हूँ ना इतनी हूँ नहीं। तुम्हारा वो देखने का तरीका, मेरी बातों को जिस तरह से तुम टैकल करती थी, मुझे जिस तरह से तुम टैकल करते थे, वो हर एक चीज़ बताती थी कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। छुपके मेरी डायरी पढ़ना, मेरे फ्रेंड से पूछना कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, लेकिन वो मेरे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड है ना, और फिर लड़कियों के अंदर तो एटीट्यूड होना भी चाहिए। हाँ तो है मेरे अंदर, और एटीट्यूड नहीं होगा तो तुम झेलोगी क्या, हाँ मेरे नखरे तो तुम्हें ही उठाने हैं ना। तो इशिका हंसती है, कहती है यार क्या बकवास लेके बैठी हूँ, मैं कोई नहीं नखरे उठाने वाली तुम्हारे, समझ में आया। और मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती भाई, ये गेम मैं नहीं खेल रही, इस गेम से मैं अभी क्विट करती हूँ, ये गेम मुझे खेलना ही नहीं है, समझ ही नहीं आता मुझे ये क्या नखरे उठाने वाली कौन सी बात है भाई, मैं बॉयफ्रेंड थोड़ी हूँ तुम्हारे। जो तो तन्ने कहते ओह बॉयफ्रेंड का कोई मतलब भी नहीं है, वी आर गर्लफ्रेंड्स, ठीक है, और गर्लफ्रेंड्स में एक को तो नखरे उठाने पड़ेंगे, तो देखो मैं तो उठा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे तो नखरे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम्हें उठाने पड़ेंगे, समझ में आया।
इसका कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा, मैं नहीं खेल रही, मैं अभी के अभी ये गेम क्विट कर रही हूँ। तो तन्या हंसती है, कहती है कौन सा गेम, ये मोहब्बत है। तो कहती है ये मोहब्बत नहीं है, ये गेम है, गेम भैया, सारे रूल्स अपने अपने, मेरे नखरे कौन उठाएगा। हाँ मैं नखरे दिखाती नहीं हूँ तो क्या मेरे अंदर नखरे नहीं है। हाँ बहुत नखरे हैं मेरे अंदर, बहुत, तुम झेल नहीं पाओगे। तो तान्या हंसती है, कहती अच्छा ठीक है, एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं। क्या बोलती, क्या डिसाइड कर लेते हैं, कि जो है महीने में एक दिन मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी, पूरे मंथ में एक दिन। तो इशिका कहती अच्छा ठीक है, और बाकी का 29 डेज हैं। कहती वो 29 डेज तुम मेरे नखरे उठाओगी बस। तो इशिका उसकी तरफ देखती है, कहती क्या क्या मतलब, ये कौन सा रूल होता है, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है ये मैं देखो, मैं तुम पहली बात तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ नहीं, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, अब तुम्हें जो करना है कर लो जाके। तो अन्य उसको ऐसे चूर से उसके नेक से पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, मतलब पीछे उसके गर्दन में हाथ डाल के उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। कहती आज तो तुमने ये बात बोल दी इशिका, इधर देखो मेरी तरफ। तो इशिका उसकी तरफ देखती है और कहती है आज तो तुमने ये बात बोल दी मुझसे, आज के बाद तुम्हारे जुबान पे ये बात भी आई ना, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, समझ में आया। तो इशिका कहती तान्या देखो, मैं तुम्हारे हाथ से ना 2 बार ऑलरेडी थप्पड़ खा चुकी हूँ, ठीक है, और अब अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो इस पर मेरा हाथ भी उठ जाएगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो तान्या हंसती कहती है तुम्हारा हाथ मुझ पे इम्पॉसिबल, कभी नहीं उठ सकता, और मार तो तुम्हें मुझसे हमेशा खानी पड़ेगी, जब जब तुमने कुछ गलत काम किया तब तब तुम पिटोगी, समझ में आया। क्या बोलती यार यार देखो अभी ना मैं अभी ये गेम क्विट कर रही हूँ, मुझे नहीं खेलना। तो कहती क्या गेम क्विट कर रही हूँ, गेम क्विट कर रही हूँ, हाँ क्या लगा रखा है तुमने, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ रुको। तो इसका कहती नहीं, सुनो तो सही, सुनो मेरी बात तो सुनो। तो ताने कहती क्या बात सुनू, हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं मैं चली यहाँ से, और तुम नहीं प्यार करती ना, मत करो, कोई ना कोई तो मुझे मिल ही जाएगा। ये कह के वो वहां से उठने लगती है। तो इश्का उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, तो इतनी जोर से खींचती है कि उसका पैर जो है एकदम से डिसबैलेंस होता है और वो नीचे गिर जाती है। तो इश्का साइड में एकदम खड़ी हो जाती है जाके, उसे पकड़ती नहीं है। तो उसके कमर में, तान्या की कमर में चोट लग जाती है। कहती है यार कितनी तेज लग गई मुझे, कितनी बदतमीज हो तुम, अगर तुम मुझे संभाल नहीं सकती हो तो इस तरह खींचा क्यों तुमने। तो इशिका हंसती है, कहती है कौन कहता है मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती, तुम शायद भूल गई हो कि जब तुम बेहोश थी तो तुम्हें मैंने ही गोद में उठाया था, तुम ना बहुत वजनदार हो यार, इसलिए इस बार मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा, वाकई मैं तुम्हें नहीं संभाल सकती। तो तान्या एकदम से खड़ी होती है और इशिका को मारने लगती है, मतलब ऐसे प्यार प्यार में। तो इशिका उसका हाथ एकदम जोर से पकड़ती है दोनों, और अपनी तरफ खींचती है और उसे दीवार के सहारे लगा देती है, उसके हाथों को दीवार से लगा देती है, उसके बहुत ज़्यादा करीब जाने लगती है। तान्या कहती है क्या कर रही हो, इशिका कहती है वही जो थोड़े देर पहले तुम कर रही थी। हाँ तो ताने बोलती है क्या, मैं क्या कर रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी, अगर दूर हटो ना प्लीज़, देखो मम्मी बुला रही है, मैं बहुत देर से आई हुई हूँ ना, टाइम हो रहा है और आज संडे है, कल 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 का होमवर्क भी तो कंप्लीट करना है ना, तो तुम दूर हटो ना प्लीज़। तो इशिका उसके और करीब जाने लगती है, तान्या उसे एकदम से धक्का देती है, उसे अपना हाथ छुड़ा के कहती कह रही हूँ ना दूर हटो। तो इशिका हंसने लगती है, कहती उफ बस हो गई हवा टाइट तुम्हारी, हाँ इतनी देर में हालत खराब हो गई तुम्हारी, अभी तक तो बहुत बोल्ड बन रही थी, प्यार एंड ऑल, हाँ अब क्या हो गया। तो तान्या कहती तुम ना, तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जाना है। तो इशिका उसको कहती है अच्छा सुनो तो सही मेरी बात, ठीक क्या सुनो बताओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात, तुम ना तुम बहुत बदतमीज हो, तुम मुझे परेशान करती हो यार। तो इशिका हंसती है, कहती है सुन तो लो फिर, मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। तो तान्या पीछे मुड़ती है, कहती है हाँ बोलो।
वैशिखा उसके करीब जाती है। तान्या फिर पीछे होने लगती है, कहती है देखो देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना मेरे करीब मत आना, दूर रहो प्लीज दूर रहो। तो ईशिका कहती है अब तो मुझसे दूर नहीं रह जाएगा। हाँ मैं तो दूर जाने की बात कर रही थी ना, तुम ही मुझे अपने करीब लेके आई हो तो अब क्यों दूर भेज रही हो यार, अब तो मैं तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रह सकती। ये बोल के वो उसके और करीब जाती है। तो तान्या जो है एकदम डोर से लग जाती है और इधर उधर देखने लगती है, कहती है प्लीज ना यार क्या कर रही हो, रुक जाओ प्लीज। तो तान्या बिल्कुल उसके करीब जाती है, उसके कानों के पास जाके कहती है आई लव यू सो मच, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता ये कहाँ किस तरफ जाएगा, आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, ये याद रखना बस तुम हमेशा। तुम्हारे बिना ना उस दिन तुमने जब अपने साथ वो किया था ना, मैं जिंदा लाश बन गई थी। मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो तान्या मुझसे प्रॉमिस करो हमारे बीच चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, चाहे कैसे भी सिचुएशन आ जाए, तुम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करोगे। तुम मुझे मार लेना, मुझे कुछ भी कर देना, लेकिन तुम अपने साथ कुछ नहीं करोगे, मुझसे ये प्रॉमिस करो। तान्या उसकी तरफ देखती है और उसे हक कर लेती है और कहती है आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें हर्ट हो, तुम्हें दर्द हो। मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकती, बहुत दर्द ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं तुम्हें, और अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हें दर्द हो, तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे दिल को हर्ट हो। समझ आया? अब मैं तुम्हारे दिल को बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुँचाऊँगी, ये दिल तुम्हारा मेरे दिल में धड़केगा, इसे मैं बहुत महफूज रखूँगी, इतना महफूज कि इस तक इसे तोड़ने के लिए ना लोगों को पहले मेरे दिल को तोड़ना पड़ेगा। तो ईशिका कहती है शट अप, तुम्हारे दिल तक तो मैं किसी को पहुंचने ही नहीं दूंगी, समझ आया? उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारा ही हक है और किसी का नहीं है। तो वो दोनों ऐसे मीठी मीठी नोकझोंक करने लगते हैं, मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, एक दूसरे को छेड़ने लगते हैं। तभी डोर पे नॉक होता है, तो दोनों एकदम से दूर होते हैं और ईशिका अपने आप को थोड़ा ठीक करती है, तान्या भी अपने आप को ठीक करती है, उलिया अपना, और डोर ओपन करते हैं तो ईशिका का भाई अंकित खड़ा होता है। वो कहता है दीदी मॉम बुला रही है नीचे, आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं हाँ चलो मैं आ रही हूँ। तो वो चला जाता है और तान्या रूम से निकलने लगती है, तभी ईशिका उसे पकड़ लेती है, कहती है अरे ऐसे कैसे, कहाँ जा रही हो तुम? तो तान्या कहती है अरे नीचे बुलाया है ना चलो। तो कहती है हाँ हाँ चल रहे हैं लेकिन गुड बाय किस कौन देगा, वो तो दे के जाओ यार। हाँ तो तान्या हंसती कहती ओह मतलब शेर के मुँह में खून लग गया। हाँ ईशिका हंसती कहती क्या है ये, शेर के मुँह में खून लग गया, ये कैसे बोल रही हो? तो कहती हाँ तुम शेर ही तो और क्या हो। ईशिका बोलती अच्छा ठीक है ना, तो अब एक किस तो दे ही दो यार जाते जाते। हाँ तो तान्या उसकी तरफ बढ़ती है और उसे दीवार से लगा देती है एकदम से, और बिल्कुल अपने होठ उसके होठों के करीब लेके जाती है। ईशिका के दिल की धड़कने एकदम तेज हो जाती हैं, बहुत तेज, उसके सांसें बहुत तेज चलने लगते हैं। और तान्या बहुत धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसके होठों के पास जाके बोलती है अभी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है गेट ओपन करके। ईशिका ऐसे खड़ी होकर उसे देखती रह जाती, कहती यार ये तो मतलब क्या ही कहूँ, ऐसे कौन करता है, मतलब इसने तो मुझे अभी से सताना शुरू कर दिया है, आगे क्या होगा हे भगवान। हाय लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ना ये एक्सेप्ट करने के बाद कि मैं भी इससे प्यार करती हूँ। उफ यार
इतना टाइम लग गया बोलने में, लेकिन अच्छा था यार, बहुत प्यारा है, बहुत सुकून मिल रहा है दिल को। ये बोल के फिर वो कहती है उफ मम्मी उन्हें बुलाया, नीचे जाती हूँ। तो वो नीचे जाती है, देखती है तो तान्या और तान्या की मॉम भी आ चुकी होती हैं, तो दोनों वहाँ बैठे होते हैं, गप्पे लगा रही होती हैं। तो तान्या ऐसे इश्का की तरफ देखती है, तो इश्का की हालत देख के उसे हंसी आ जाती है, क्योंकि इश्का की आँखें एकदम लाल हुई रहती हैं, मतलब नशा सवार रहता है तान्या जितना उसके करीब गई होती है, तो हंसने लगती है। तो तान्या इश्का उसको ऐसे घूर के देखती है, कहती है तुम्हें तो मैं बाद में बताती हूँ। तो तान्या एकदम से जोर से हंस पड़ती है, तो तान्या क्या हम बोलते तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों पागलों की तरह हंस रही हो। तान्या कहती कुछ नहीं, वो ना इश्का ने कुछ इशारा किया तो मुझे हंसी आ गई। वो उसे फंसा देती है, उसकी मम बोलती है इश्का की क्या इशारा किया था तुमने इसे जो इसे हंसी आ गई, हमें भी बताओ, हम भी हंसते हैं, हमें भी तो हंसना है। तो इशिका ऐसे तान्या की तरफ देखती है कि ये क्या किया इसने, मैं क्या जवाब दूंगी अब। तो इशिका और तान्या की मम दोनों पूछने लगते हैं बताओ इशिका हम भी हंसे, ऐसा क्या कहा तुमने इसको, हाँ जल्दी बताओ जरा। तो तान्या बोलती है हाँ बताओ इशिका क्या कहा तुमने मुझे जो मुझे इतनी हंसी आई थी, हाँ जरा जल्दी बताना क्या कहा था, अभी बताएगी मोम, अभी इशिका बताएगी, ऐसी कोई बात है ही नहीं जो छुपाई जाए, तो ये अभी बताएगी। तो इशिका ऐसे परेशान होकर खड़ी हो जाती है, वो जो है कहती है वो ना मैं, तो कहती है हाँ वो ना मैं क्या, तान्या बोलती है वो ना मैं क्या, बताओ जल्दी। अरे देखो आंटी भी वेट कर रही है, मोम भी वेट कर रही है। तब तक अंकित आ जाता, कहता है हाँ मुझे भी जानना है, अभी ना दीदी ऊपर से भी हंसते हुए आ रही थी। तो जो है जो ये सुनते हैं तो इशिका कहती यार ये और आ गया गधा सा। तो उसकी मम कहती है इशिका की हाँ बेटा बताओ क्या बात है, हाँ। तो वो एकदम ऐसे टेंशन में खड़ी होती है कि मैं क्या बोलूँ। तो वो क्या बोलेगी और क्या जवाब देगी ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर कीजिए, और आगे का क्या होता है क्या नहीं है तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए कल तक का। बाय बाय, टेक केयर।